नमस्कार दोस्तों, आपको बता दूँ एक बहुत ही बेहतरीन वैरायटी, ये अच्छी वैरायटी है, राशि सीड्स की कंपनी की है ये। जैसे पुराने भी जाते थे राशि के 776 773, उससे एक बेस्ट वैरायटी है जो कि राशि 926, जो कि आपने नाम सुना ही होगा राशि का 926 का है, क्योंकि ये काफ़ी मशहूर है। इसके मैंने पहले भी इसकी एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि मैंने पिछले साल डाली थी, पिछले साल वाली आप वीडियो देख सकते हैं और इस साल वाली देखिए भी इसमें कितना डिफरेंस है और कितना भी अच्छा फाल। बात करते हैं इसके, देखिए टिंडों का, टिंडे काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में, एक बूटा काफ़ी अच्छा बूटा मार रहा है। अभी मैं एक आपको नॉर्मल बात बताता हूँ कि जब मैं बूटे को ऊपर की तरफ सीधा कर रहा हूँ तो काफ़ी ऐसे वजन है। रीज़न क्या है कि इसके अंदर टिंडे की संख्या एक तो ज़्यादा है और टिंडे का साइज़, यही मेन चीज़ डिपेंड करती है, टिंडे का साइज़, टिंडे का साइज़ काफ़ी बड़ा है। आप मेरे हथेल की तरफ से देख पा रहे होंगे, मेरी उंगलियाँ वैसे लंबी हैं, उसके बावजूद भी ये काफ़ी दूर तक इसे कवर कर पा रहा है और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। नीचे की तरफ देखें तो फुल गिट्टी भी ठीक ठाक कह रहे हैं, ज़्यादा नहीं गिरता, नहीं तो कई बार बूटे के नीचे ढीक लग जाते हैं, जैसे इतनी नहीं है नॉर्मल, तो इतनी तो थोड़ी बहुत तो शिकायत रहती है। एक बात आपको बता दूँ, नरमे के अंदर 100% जितना जितना फाड़ उठाता उतना कंट्रोल कभी नहीं होता, किसी भी वैरायटी में नहीं होता। ये तो बात आप अपने दिमाग से ही निकाल दीजिए कि भाई कुछ फुल गिट्टी गिरी में तो अच्छी वैरायटी नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता। इसमें क्या है कि ऐसा है कि नीचे बहुत ज़्यादा फुल गिट्टी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और एक बात आपको बता दूं, जब जैसे कि अगर आप पानी लगाएं, जैसे नरमा पानी मारा, पानी लगाएंगे, पानी लगाने के बाद कुछ फुलगट्टियाँ जरूर गिरेगा, वो थोड़ा सा इसमें ऐसा ही सिस्टम होता है कि पानी के लगाने के बाद थोड़ी सी फुलगट्टी गिरता ही गिरता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, मोस्टली फ़र्क ज़्यादा पड़ता है कि एक साथ ज़्यादातर सारा फाड़ गिर दे तब वो वैरायटी बेकार बन जाती है। जैसे एक अंकुर सीड की आई थी 555, वो वैरायटी इतनी घटिया थी कि वो फाड़ क्या पत्ते भी गिर देती थी और उसने पत्ते भी गिर देती हैं। आज भी उस वैरायटी को बहुत नाग के बराबर लोग बीजते हैं, और मैंने पिछली बार आपको बताया भी था कि एक मेरे पास के खेत में उन्होंने गलती से बीज डाला और काफ़ी ज़्यादा नुकसान रहा, टिंडे काफ़ी अच्छे हैं। तो यही था आज की इस वीडियो में, बताएं कैसी लगी वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।